हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्टूडियो में कर्प तरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल की तरफ से डायरेक्ट हायरिंग है। जॉब लोकेशन कानपुर भोपाल रहने वाला है। कौन कौन सी पोस्ट वैकेंसीज है पूरा वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको डेली प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिलते रहते हैं। सबसे पहले जॉब लोकेशन कानपुर भोपाल के लिए है। प्लानिंग मैनेजर, प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन कोऑर्डिनेटर, इंटरफेस मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन इंजीनियर मैनेजर, रैंप सीसी, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, टनल इंजीनियर, टनल चीफ सेफ्टी मैनेजर, चीफ क्वालिटी मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, सीनियर जूनियर, जूनियर सेफ्टी मैनेजर, सीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर सेफ्टी मैनेजर, फायर एनवायरमेंट मैनेजर, सीनियर क्वालिटी मैनेजर, एचआर एंड एडमिन अकाउंट्स मैनेजर, ये सभी पोस्ट की वैकेंसीज है। अभी इनकी डिटेल्स बात करेंगे तो प्लानिंग मैनेजर की दो वैकेंसी है। बी बी टेक आपने किया है सिविल में, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेट्रो से रिलेटेड, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। प्लानिंग इंजीनियर की एक वैकेंसी है। बी बी टेक आपने किया है, 8 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सभी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं तो आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो दूसरे वीडियोज़ में फ्रेशर की एक्सपीरियंस भर्तियाँ जो है उसके बारे में देख सकते हैं। डिजाइन कोऑर्डिनेटर एक वैकेंसी है। एम टेक किया अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस हो तब आप अप्लाई कर सकेंगे। इंटरफेस मैनेजर की दो वैकेंसी हैं। बी बी टेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल 10 ईयर एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की दो वैकेंसीज है। बी बी टेक सिविल 12 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर प्रोजेक्ट स्टेशन के लिए एक वैकेंसी। बी बी टेक 15 साल का एक्सपीरियंस। स्टेशन इंचार्ज की दो वैकेंसी है। बी बी टेक सिविल 8 साल का एक्सपीरियंस। स्टेशन इंजीनियर के लिए 10 वैकेंसीज है। बी डिप्लोमा आपने सिविल में किया, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। मैनेजर रैम सी सी की दो वैकेंसीज है। बी बी टेक सिविल में किया है, 8 साल का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर टनल की 1 पोस्ट वैकेंस है। बी बी टेक मैकेनिकल 15 ईयर एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है इंजीनियर टनल 10 वैकेंसीज है। बी डिप्लोमा किया है मैकेनिकल सिविल से, 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। चीफ सेफ्टी मैनेजर की 2 वैकेंसीज है। पी जी डी या एम ई आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बी बी टेक फायर सेफ्टी या एडवांस सेफ्टी में किया, 15 साल का एक्सपीरियंस है तब आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चीफ क्वालिटी मैनेजर की 2 वैकेंसीज है। बी बी टेक 15 साल का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। सीनियर सेफ्टी मैनेजर 1 वैकेंसी। बी बी टेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बी एस सी डिप्लोमा एडवांस सेफ्टी, 10 साल का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेफ्टी मैनेजर की 1 वैकेंसी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बी एस सी डिप्लोमा एडवांस सेफ्टी मैनेजमेंट, 7 साल का एक्सपीरियंस है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है। जैसा कि आपको बता दिया गया था, सीनियर सेफ्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी। बी बी टेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है या पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होल्डर हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है तब अप्लाई कर सकेंगे। सीनियर सेफ्टी मैनेजर की 1 पोस्ट। बी बी टेक 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट मैनेजर की 1 पोस्ट। बी बी टेक एनवायरमेंट में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर क्वालिटी मैनेजर 1 वैकेंसी। बी बी टेक सिविल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआर एडमिन के लिए 1 वैकेंसी। एम बी ए पी जी डी या ग्रेजुएट हो आप, 10 साल का एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। अकाउंट मैनेजर की 1 वैकेंसी है। सी ए आई सी डब्ल्यू एम बी ए और 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी वैकेंसीज कानपुर भोपाल के लिए निकाली गई हैं। अगर आपके पास रिलेवेंट क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको career.urbaninfra@kalpataruprojects.com पर अपना रिज्यूम और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेल करने होंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपको मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वायरी है तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।